वेलकम बैक टू पीआईएमटी यूट्यूब चैनल। आज कल के लेक्चर में जो मैं नया आपको टर्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है मैक्रोस, असेंबली मैक्रोस। अब मैक्रोस क्या होता है? राइटिंग अ मैक्रो इज अनदर वे ऑफ एंश्योरिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। मैक्रो मैंने आपको पहले बताया था, मैक्रो क्या होती है? सिंपल सी टर्म होती है, ठीक है। जैसे मैक्स एक मैक्रो है ना, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि एक मैक्रो डिफाइन करते हैं, मैक्रो मैक्स साइज उसे देंगे 5। जहां पर भी मुझे 5 साइज देगा होगा या ऐड का साइज, तो मैं वहां मैक्स टर्म यूज कर सकती हूँ। तो राइटिंग अ मैक्रो इज अनदर वे ऑफ इंश्योरिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज। अगर मैक्रो को हम असेंबली लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो वो इंश्योर करता है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो रही है। अ मैक्रो इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइंड बाय अ नेम एंड कुड बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मैक्रो क्या होता है? कि इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है, किसी नेम से उसे असाइन किया जाता है और उसे प्रोग्राम में किसी भी पार्ट पे यूज किया जा सकता है। इन NASM मैक्रोज आर डिफाइंड विद परसेंट मैक्रो, परसेंटाइल मैक्रो एंड परसेंटाइल एंड मैक्रो डायरेक्टिव्स। जो डायरेक्टिव्स हम यूज करते हैं मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए, उनमें से एक है परसेंटाइल मैक्रो, यू कैन सी हियर, और परसेंटाइल एंड मैक्रो। द मैक्रो बिगिंस विद परसेंटाइल मैक्रो डायरेक्टिव एंड एंड्स विद परसेंटाइल एंड मैक्रो डायरेक्टिव। जब भी कोई मैक्रो स्टार्ट होता है तो उसमें लिखते हैं हम परसेंटाइल लगाएंगे और मैक्रो, और जब उसको खत्म करना होगा हमें तो लिखेंगे परसेंटाइल एंड मैक्रो डायरेक्टिव। अब सिंटैक्स क्या होता है मैक्रो की डेफिनेशन का? परसेंटाइल मैक्रो, मैक्रो नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मैक्रो बॉडी, परसेंटाइल एंड मैक्रो। जब भी कोई मैक्रो आप स्टार्ट कर रहे हैं इसे परसेंटाइल मैक्रो लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे, इसमें मैक्स हो गए, कितने पैरामीटर्स होंगे उसमें, चाहे 5 है तो मैक्स 5 हो गया मैंने। फिर उसके बाद में मैक्रो की बॉडी भी बनाई पूरी, उसके बाद में खत्म करने पर मैंने परसेंटाइल एंड मैक्रो लिख दिया। नंबर ऑफ पैरेंट्स स्पेसिफाई करता है कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज हुए। मैक्रो नेम स्पेसिफाई करता है नेम ऑफ द मैक्रो। द मैक्रो इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग द मैक्रो नेम अलोंग विद द नेसेसरी पैरामीटर्स। कोई भी मैक्रो तब इन्वोक हो जाता है जब भी कोई मैक्रो का नेम यूज किया जाता है नेसेसरी पैरामीटर्स के साथ में। व्हेन यू नीड टू यूज सम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम यू कैन पुट दोस इंस्ट्रक्शंस इन अ मैक्रो एंड यूज इट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑल द टाइम। जब भी हमें एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस लिखना होता है, यूज करना होता है बहुत बार एक ही प्रोग्राम में, तो हम क्या कर देते हैं? उन इंस्ट्रक्शन को एक मैक्रो में लिख देते हैं, ठीक, और बजाय उन इंस्ट्रक्शन को बार बार लिखने के हम मैक्रो का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन नीड फॉर प्रोग्राम्स इज टू राइट अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्क्रीन। एक बहुत सिंपल सा नीड होती है हमें किसी प्रोग्राम में, जैसे स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है हमें लिखने हैं स्क्रीन पे। फॉर डिस्प्लेइंग अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यू नीड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब भी हमें स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है तो हम ये वाले सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे, जैसे मूव edx la, ये है मैसेज की लेंथ बता रहा है, ठीक है। मूव ecx msg, ये बता रहा है क्या मैसेज लिखना है। मूव edx 1, ये फाइल डिस्क्रिप्टर है। मूव eax 4, मतलब eax रजिस्टर में 4 वैल्यू इंसर्ट हो जाए, और int 0x80, ये कर्नल को कॉल कर रहा है। इस एग्जांपल में एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो रजिस्टर्स है eax, ebx, ecx और edx यूज किए गए हैं int edh फंक्शन कॉल के लिए। सो ईच टाइम यू नीड टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन यू नीड टू सेव दीज रजिस्टर्स ऑन द स्टैक इन वो int edh एंड देन रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स फ्रॉम द स्टैक। सो इट कुड बी यूजफुल टू राइट टू मैक्रोस फॉर सेविंग एंड स्टोरिंग डेटा। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, रजिस्टर्स eax, ebx, ecx और edx यूज किए गए हैं, किससे? इन edh फंक्शन कॉल से। तो जब भी हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होगा तो हमें इन रजिस्टर को सेव करना पड़ेगा स्टैक पे और इन्वोक करना होगा इन edh को, और उसके बाद में हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू रजिस्टर की रिस्टोर करनी पड़ेगी स्टैक से। तो इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल होगा कि हम दो मैक्रोस को यूज कर दें इन डेटा को सेव करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए। वी हैव ऑब्जर्व दैट सम इंस्ट्रक्शंस लाइक IMUL, IDID, IINT etc. नीड सम इंफॉर्मेशन टू बी stored in some particular registers and even return values in some specific registers. हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे IMUL, IDivision, integer, इन सबको
from these registers should be saved in the stack and restored after instruction is executed. अगर वो प्रोग्राम जैसे जो रजिस्टर्स को ऑलरेडी यूज कर रहा है वो इन वो इन्हें डेटा के इम्पोर्टेंट डेटा को कीप करने के लिए रखने के लिए तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है इन रजिस्टर्स का वो सेव किया जाएगा स्टैक में और रिस्टोर किया जाएगा जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे. फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज डिफाइनिंग एंड यूजिंग मैक्रोस. ये जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट ये आपको बताते हैं कि मैक्रोस किस तरह डिफाइन किए जाते हैं किस तरह यूज किए जाते हैं. अ मैक्रो विद टू पैरामीटर्स ये स्टेटमेंट्स है मैंने पहले भी आपको बताया था स्टेटमेंट्स असेंबली लैंग्वेज में सेमीकोलन के थ्रू बताई जाती है. तो ये बताया अ मैक्रो विद ये सारे जितने 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 में तो आदमी मैंने सेमीकोलन ये यूज कर रखा है वो सब क्या बता रहा है स्टेटमेंट बता रहा है. तो पहली स्टेटमेंट है अ मैक्रो विद टू पैरामीटर्स. दूसरी स्टेटमेंट है इम्प्लीमेंट्स द राइट सिस्टम फॉर ऑल परसेंटाइल मैक्रो राइट स्ट्रिंग टू. ठीक मैंने एक मैक्रो डिफाइन कर दिया राइट स्ट्रिंग टू उसका साइज बता दिया नाम है उसका राइट है वो स्ट्रिंग टाइप का. अब मूव ईएक्स फोर मूव ईबीएक्स वन मूव ईसीएक्स एट परसेंटाइल वन मूव ईडीएक्स परसेंटाइल टू इन एडीएच परसेंटाइल एंड मैक्रो यहां पर खत्म हो गया. नाउ सेक्शन डॉट टीएक्सटी ग्लोबल स्टार अंडरस्कोर स्टार सेक्शन डॉट टीएक्सटी क्या बताएगा ये जीसीसी को डिक्लेयर करने के लिए यूज हुआ है. फिर अंडरस्कोर स्टार्ट ये टेल करेगा लिंकर इक्वल का एंट्री पॉइंट ये बताएगा. राइट स्ट्रिंग मैसेज वन लेंथ वन राइट स्ट्रिंग मैसेज टू लेंथ टू राइट स्ट्रिंग मैसेज थ्री लेंथ थ्री तीन तरह की लेंथ बता दी मैंने. पहले मूव ईएएक्स वन किया मैंने ये सिस्टम कॉल नंबर सिस्टम की एग्जिट करेगा. ठीक फिर इंट जीरो एक्स एटी ये कर्नल को कॉल करेगा. नाउ सेक्शन डॉट डेटा सेक्शन स्पेस डॉट डेटा मैसेज वन स्पेस थ्री बी हेलो प्रोग्रामर्स 0x8, 0x3. ठीक नाउ लेंथ वन EQU गिव्स मैसेज वन मैसेज टू DB2 वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ 0x8, 0x3. लेंथ टू लेंथ थ्री लेंथ टू EQU मैसेज टू MSG3 DB Linux असेंबली प्रोग्रामिंग लेंथ थ्री EQU मैसेज थ्री वेन दी अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिजल्ट. अब ये प्रोग्राम जब कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाएगा कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है. अगर नहीं किसी ने पढ़ा तो एक बार दोबारा जाकर चेक कर लेंगे मैं उस वक्त रिपीट करूंगी क्योंकि अकेला कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ही बहुत अपने आप में एक टास्क है इसमें कार में असेंबली लैंग्वेज में. अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा जब हम असेंबल कंपाइल कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आउटपुट होगा हेलो प्रोग्रामर्स वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिनक्स असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ये तो प्रोग्रामर्स का आपने सीख लिया कि क्या होता है मैक्रोज और किस तरह यूज होते हैं. अब हम पढ़ते हैं इसके इसके बाद का एक और टॉपिक है जैसे लूप्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लूप्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लूप्स क्या होते हैं. ठीक है अब टाइप ऑफ दो तरह के लूप्स होते हैं एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट. लूपिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है सपोज फर्स्ट स्टेप है डू स्टेटमेंट एस फॉर एवर सेकेंड है फॉर आई इक्वल्स टू एन वन टू एन टू डू स्टेटमेंट एस और फॉर आई इक्वल्स टू एन टू डाउन टू एन वन डू स्टेटमेंट एस थर्ड इज वाई सी डू स्टेटमेंट एस फोर्थ इज रिपीट स्टेटमेंट एस अंटिल सी. प्रोग्राम लूप्स आर इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस and the execution of these instructions depends on the contents of the CCR register. Loops क्या होता है आपका जैसे for loop हो गया ठीक या आपका कर्कल्स लूप्स हो गए do while हो गया do loop हो गया while loop हो गया. तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं assembly language में पहला loop का mechanism कैसे होता है suppose do statement यूज हुई है s के लिए अब i की value होगा m1 से लेके n2 तक है तो do statement होगी s या फिर i की value होगा n2 से n1 तक है तो do वाई थर्ड है वाई लूप अगर वाई सी डू स्टेटमेंट एस फोर्थ होता है रिपीट स्टेटमेंट एस अंटिल सी. प्रोग्राम लूप्स आर इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन. जो प्रोग्राम लूप्स होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन की हेल्प से और उनका एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है सीसीआर रजिस्टर के कंटेंट्स पे. डू स्टेटमेंट एस फॉरएवर ये लूप है किस तरह के लूप है इनफाइनाइट लूप है possible to add c then exist.
चार्ट की स्टेटमेंट। इसमें ये कैसे अप्लाई करें इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजिंग लूप काउंटर। सबसे पहले उस लूप काउंटर को इनिशियलाइज कर लो, चाहे आप जीरो से कर रहे हैं या वन से कर रहे हैं, टू से कर रहे हैं, दैट्स योर कंसर्न। नंबर टू स्टेप होता है कंपेयर द लूप काउंटर विद द लिमिट। अब लूप काउंटर को लिमिट से कंपेयर करोगे। जैसे यहाँ पे आई को मैंने आई वन से इनिशियलाइज किया, फिर आई शुड बी लेस देन इक्वल टू आई टू। आई टू लिमिट है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो क्या जब तक ये लूप तब तक चलेगा जब तक वो आई टू से थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचाता। थर्ड है परफॉर्म द ऑपरेशन इन एस लूप काउंटर विद इन लिमिट। अगर लूप काउंटर के लिमिट में चल रहा है तो फिर यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर दे रहे हैं। फोर्थ है कि इंक्रीमेंट द लूप काउंटर आई एंड गो टू स्टेप टू। मतलब आप लूप काउंटर को एक बार वन वन से इंक्रीमेंट करोगे फिर स्टेप टू पे जाओगे। अब फॉर आई इक्वल्स टू एन लूप टू एन वन डू एस, ये वाला लूप देखेंगे। आई लूप काउंटर है, इसके स्टेप्स के क्या होंगे कि पहला वो ये इनिशियलाइज लूप काउंटर, आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई टू से, इस बार मैंने सेकेंड लिमिट से इनिशियलाइज किया। अब सेकेंड है कंपेयर द लूप काउंटर विद लिमिट, क्या आई की वैल्यू हमेशा जो मिनिमम की उससे बड़ी है या नहीं है या कम होती जा रही है। अगर है तो फिर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एस स्टेटमेंट में जब तक लूप काउंटर लिमिट में रहेगा, अदरवाइज वो वहीं पे नो, अगर नहीं है ऐसे तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। फोर्थ है इसमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, हमें इंक्रीमेंट नहीं करना, डिक्रीमेंट करना है लूप काउंटर आई को और स्टेप टू पे दोबारा जाना है। अब अगला जो है वो है वाई सी डू एस। लॉजिकल एक्सप्रेशन सी इज इवैल्यूएटेड, जिस लॉजिकल एक्सप्रेशन है कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह का हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन सी को इवैल्यूएट करेंगे, ओनली व्हाइल सी इफ ट्रू एस विल बी एग्जीक्यूटेड। जब तक सी ट्रू है तब तक एस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जैसे वो फॉल्स होती है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। क्या इसका फ्लो चार्ट होगा, पहला स्टेप होगा फ्लो चार्ट का कि इनिशियलाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन सी। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने उसे इनिशियलाइज कर लिया लॉजिकल एक्सप्रेशन सी को। सेकेंड स्टेप है इवैल्यूएट द लॉजिकल एक्सप्रेशन सी, अब आप उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं उसी एक्सप्रेशन को, ठीक। थर्ड इज इफ सी इज टू परफॉर्म द फंक्शन स्पेसिफाइड बाय एस स्टेटमेंट गो बैक टू इफ नॉट एक्सेप्ट, ठीक। अगर सी हमारा ट्रू आ रहा है रिजल्ट तो हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन एस वाली स्टेटमेंट के, अदरवाइज हम वही लूप को एक्सेप्ट कर देंगे। फोर्थ स्टेप इज एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा लूप है वो है रिपीट एस अंटिल सी। इसमें क्या करना है, पहला स्टेप है आपका इनिशियलाइज लूप काउंटर, लूप काउंटर को आपको इनिशियलाइज करना है। फिर नंबर टू इज एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स एस, मतलब आपको स्टेटमेंट एस को सबसे पहले आपने इनिशियलाइज कर दिया सी को लूप काउंटर है, फिर स्टेटमेंट एस को एग्जीक्यूट किया। थर्ड है कि आपको सी को इवैल्यूएट करना है, अगर ट्रू है तो ये लूप चलेगा, अदरवाइज एग्जिट। नाउ व्हाट इज कंडीशन कोड रजिस्टर, कंडीशन कोड रजिस्टर क्या होता है, यहाँ पर सी बताता है कैरी, वी बताता है ओवरफ्लो, जेड बताता है जीरो, एन बताता है नेगेटिव, एच बताता है हाफ कैरी। अगर यहाँ पर ये लिखा है एस एक्स एच, एच का क्या बता रहा है हाफ कैरी, एन बता रहा है क्या नेगेटिव, थ्री वैल्यू नेगेटिव है, और जेड बता रहा है टू वैल्यू जीरो है, वी बता रहा है ओवरफ्लो वन पे हो जाएगा, और जीरो बता रहा है कैरी, ओके। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन कैसे होते, क्या होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन होते हैं आपके चार तरह के। पहला होता है यूनरी या अनकंडीशनल ब्रांच, ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये हमेशा एग्जीक्यूट करती है। सेकेंड होता है सिंपल ब्रांचेस, ब्रांचेस टेकन व्हेन स्पेसिफिक बिट ऑफ सीसीआर इज इन अ स्पेसिफिक स्टेटस। सिंपल ब्रांचेस क्या होते हैं, सिंपल ब्रांचेस तब ली जाती है जब कोई स्पेसिफिक बिट है सीसीआर की वो किसी स्पेसिफिक स्टेटस में है। फिर आती है आपकी अनसाइंड ब्रांचेस, ब्रांचेस आर टेकन व्हेन अ कंपैरिजन और टेस्ट ऑफ अनसाइंड नंबर रिजल्ट्स इन अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ सीसीआर बिट्स। अनसाइंड ब्रांचेस तब ली जाती है जब कोई कंपैरिजन होता है या जब कोई टेस्ट होता है अनसाइंड नंबर का और जिसका रिजल्ट आता है स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन सीसीआर बिट्स का।
signed branches. So the branches are taken when a comparison or test of signed quantities result in a specific combination of CCR bits. Signed branches तब भी जाते हैं जब कोई comparison किया गया है signed quantities के test results का और किसी specific combination में CCR bits के. फिर three categories of branches. तीन categories होती है branches की. Short branch होती है in the range of -128 to +127 bytes. Long branch होती है in the range of 64 KB. Third होती है bit conventional branches. अब unary branch कैसे होती है? देखेंगे मानिक होता है इसका DRM branch always DRM branch level. ठीक है इसी तरह BCC होता है मतलब branch of carry clear. BCS है मतलब branch of carry set. DEQ है मतलब branch of equal. BM1 है branch of minus. BNE है branch of not equal. ये सारे आपके mnemonics हैं और unary branches के functions भी और equation और operations भी है. ये आपको खुद study करने हैं ठीक. तो आज के लेक्चर को मैं यही कंप्लाई कर रही हूँ यही रैप अप कर रही हूँ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक यू.